चैती छठ को लेकर भागलपुर के बरारी पुल घाट, बरारी सीढ़ी घाट, मुसहरी काली घाट, खिरनी घाट, बूढ़ानाथ घाट, सकरुला चक काली मंदिर सहित शहर के सभी क्षेत्रों में उगते भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बरारी छठ घाट पर छठवर्ती के रूप में जगदीशपुर अंचलाधिकारी स्मिता कुमारी ने भी हाथ में सूप लेकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। मौके पर पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने उनके सूप में अर्घ देकर मंगल कामना की। चैती छठ में घाट की सुरक्षा में राहत बचाव कार्य को लेकर विभिन्न छठ घाटों पर एसडीआरएफ की टीम के अलावे अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त आपदा मित्र गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मौके पर आपदा मित्र के अध्यक्ष तुलसी यादव, अमित कुमार, रूपेश कुमार, आशीष रंजन, सनी महलदार, मोहम्मद मुस्तकिन, गोरेलाल, संजीव कुमार ड्यूटी पर तैनात रहे। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और आए दिन जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 14 रूटों पर कोडिंग की व्यवस्था टोटो रिक्शा के लिए की थी। कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत हुई, लेकिन टोटो चालक इस यातायात के नियम से काफी खुश नजर नहीं आ रहे। उन लोगों का कहना है कि भागलपुर में 14 रूटों पर यह कोडिंग व्यवस्था की गई है। हर रूट पर 500 टोटो चलाए जाएंगे, लेकिन 7000 से अधिक टोटो चालक भागलपुर में है। उनके अलावे उन टोटो चालक की परेशानी अब बढ़ गई है जिन्हें कोडिंग नहीं मिल पाया है और ना ही रूट प्लान मिल पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक यह योजना सफल हो पाती है और क्या शहर में जाम से लोगों को निजात मिल पाता है, या फिर इसी तरह टोटो चालक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और शहर की जाम की समस्या बनी रहेगी। वहीं टोटो चालक के अध्यक्ष ने भी इस कार्यशैली से नाराजगी जताई और कहा, हम लोग अपनी मांगों को लेकर जब प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो प्रशासन की ओर से हम लोगों के प्रति उदासीन रवैया देखने को मिलता है। हमारा समस्या है कि जगदीशपुर घर है, हम 8 नंबर रूट लेना चाहते हैं। हम 3 दिन से यहाँ हम लोग घूम घूम के वापस जा रहे हैं, 8 नंबर रूट नहीं मिल रहा है हमको। शिकायत के लिए तो हम लोग जानकारी नहीं है किसके पास जाएं या ना जाएं। यहाँ जानकारी के हम लोग का यहाँ रूट मिल रहा था, यहाँ आए और ज़्यादा जानकारी नहीं है ना कि फलना जगह जाए। क्या बोला गया यहाँ से? बोला जा रहा है कि 8 नंबर फुल हो गया है, दूसरा नंबर ले लो भले। लेकिन हम लोग का जगदीशपुर घर है तो हम लोग को गुड़ट्टा चौक से अलीगंज तरफ जाने के लिए रूट चाहिए। परेशानी है गया है। लोगों को कितना सुविधा मिल गया है? सुविधा तो मिल ही रहा है, मगर कोडिंग में समस्या हो रही है। सभी रूट में 500 गाड़ियां के जो व्यवस्था बनाई जा रही है, इससे सभी चालक नाखुश हैं। मैं भी नाखुश हूँ। यातायात DSP महोदय, जिला परिवहन पदाधिकारी से भी बातचीत हो रही है, अगर कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सभी ये 5 नंबर वाले आवेदन हैं, 100 आवेदन रह गया है। 8 नंबर रूटों की व्यवस्था कम है और यातायात DSP कह रहे हैं कि हम 14 रूटों के अलावा आगे कोई रूट नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में तो 7000 ड्राइवरों को अगर रूट मिलेगा तो 7000 ड्राइवर तो उसकी आजीविका की समस्या हो जाएगी उनको। आप अपने तरफ से क्या पहल कर रहे हैं? हम सभी अपने तरफ से पहल कर रहे हैं कि सभी ड्राइवरों को रूट मिले, उसकी आजीविका चलते रहे, रोजी रोटी की समस्या ना हो उनके लिए। अगर यहाँ समस्या हो रही है यातायात DSP महोदय के द्वारा, जब आप कोडिंग की व्यवस्था ला रहे हैं तो सभी को रूट मिलना अनिवार्य है। अगर आप जो ये क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि 500 ही लोगों को हम देंगे, तो इसमें फिर ये चालक कहाँ जाएंगे? इनका तो मौलिक अधिकार है कि अपने रूट पर ही मांग रहे हैं रिक्शा चलाने के लिए। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर पूरे देश में सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल के खेमे में जुबानी जंग आरंभ है। वहीं सभी जिलों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हर जिला के जिलाधिकारी काफी सजग दिख रहे हैं। अगर भागलपुर जिले की बात करें तो यहां के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी एक करते दिख रहे हैं। चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूबर के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से हो, या फिर बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाल कर हो। इसी बाबत आज भागलपुर के DRDA परिसर में NCC स्काउट गाइड और कई स्कूलों के बच्चों ने सामूहिक रूप से रैली निकालकर इस लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करते दिखे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर अवरसोर चौधरी ने बताया कि यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्हें अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, वैसे बच्चे वोट देने वालों के अधिकार रखने वालों को जागरूक करते दिख रहे हैं। हमें निश्चित रूप से घर से निकलना चाहिए और अपने कीमती वोट को जरूर देना चाहिए। इस मतदाता जागरूकता रैली में जिलाधिकारी के अलावे SDM धनंजय कुमार, DC कुमार अनुराग के अलावे चुनाव संबंधित कई वरीय अधिकारी व कर्मी, साथ ही दर्जनों स्कूल के बच्चे शामिल थे। 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान है और हमारे बच्चे कितने जागरूक हैं, खास करके NCC के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, इन लोगों के द्वारा आए होंगे, स्कूल के काफ़ी बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का के लिए रैली निकाली गई है। मैं आम लोगों से यही कहूँगा, ये वो लोग रैली में शामिल हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और उन लोगों के लिए खास करके स्पेशल सबक है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो हम जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको जागरूक कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को अपने बच्चों से
एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जब हमारे बच्चे जागरूक हैं तो हमारे युवा और हमारे वोटर्स सभी लोग जागरूक हों और 100% मतदान करें। मैं बोल रहा था कि वोट करेगा भागलपुर, वोट करेगा तो बच्चों ने कहा भागलपुर। और दूसरा जो दीदियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए है कि चूल्हा चौका छोड़ो दीदी, आओ चले करें मतदान। चूल्हा चौका छोड़ो दीदी, आओ चलो करें मतदान। बस यही हम नारा लगाएंगे और सभी अपने दीदियों से अनुरोध। रामनवमी से पहले ही भागलपुर राममय हो गया। हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के भक्त झूमते गाते हुए नजर आए। इस दौरान प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रही। बता दें, हर साल रामनवमी से पहले भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। हम लोग बचपन से एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और यह जो सपना था सही मायने में आज ही साकार हुआ है। सही मायने में इस बार जब भगवा साकार हुआ तो आज भगवा क्रांति के द्वारा ऐतिहासिक शोभा यात्रा भागलपुर की सड़कों पर निकला है। आप देख सकते हैं कि एक एक युवा माथे में भगवा साफा बांध कर अपना विचार, अपना धर्म प्रकट करते हुए सड़कों पर निकल कर राम नाम के उद्घोष के साथ हम लोग सड़कों पर निकले हैं, और ऐतिहासिक शोभा यात्रा के माध्यम से एक संकेत देना चाहते हैं कि यह देश हम बहुसंख्यकों का देश है, यह भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस संकल्प के माध्यम से हम लोग सड़कों पर निकले हैं। विशेष क्या है इस बार के इस शोभा यात्रा में, विशेष क्या है? आप देख सकते हैं कि एक प्रतिमा बनी है भव्य। उस प्रतिमा की इतनी शोभा है कि जिस प्रकार अयोध्या में रामलला को देख रहे उसकी साक्षात छवि यहाँ पर निकली है। नगाड़े और अलग अलग झांकियों के माध्यम से हम लोग भागलपुर के वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि इस वर्ष रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, और यह सही माने में हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, और यह खुशी का पल है। हम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जिस तरह से कार्य सेवकों का बलिदान रहा, जिस तरह से संपूर्ण भारत आज राम मंदिर बनने से अपने राम को देखने के लिए ललायित है, उसके दृष्टिकोण से आज ये राम, ये हमारा जुलूस है। आज देखेंगे आज के युवा मात्र भगवा साफा बांध कर आज सड़क पर निकले हैं, और वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से राम मंदिर बनने से उनके अंदर जो ऊर्जा है वो उमड़ कर बाहर आ रही है। अरे ये धरा जिस पर घूम रही है हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, और कहो गर्व से हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू हैं। आज किस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कई वर्षों का सपना हर एक उस हिंदू का जो देख रहे थे कि राम मंदिर बनकर साकार होगा, और ऐसा भव्य राम मंदिर जो हमारी कई पीढ़ी देखना चाहती थी कि ऐसा भव्य राम मंदिर जो कि आज बनकर तैयार है। कई बुजुर्ग, कई हमारे घर में ऐसे गार्जियन है जो उस मंदिर को देखने, जिनकी अवस्था नहीं है, फिर भी वो अयोध्या के उस पावन धरती पर जाकर उस मंदिर का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, और आज उसी मंदिर के आधार पर हमारी जो राम जी की जो मान मूर्ति है, वो भी प्रतिमा जो है वो उसी के आधार पर बनी गई है। और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अभिभावक, गार्जियन, युवा, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और यही हम लोग में आपस में सद्भाव और शांति सद्भाव को देखते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आचार संहिता का पालन भी सभी युवा कर रहे हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की राम के आगे मर्यादा का शब्द लगता था, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सभी लोग मर्यादा के साथ इस पूरी रैली को निकाल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में
कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एनडीए की सरकार एक तरफ देश में 400 पार का दावा कर रही है, वहीं बिहार में 40 सीट लाने की भी बात कहती दिख रही है, जिसको लेकर लगातार एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक जोर शोर से हो रही है। इस बार भागलपुर में सीधा मुकाबला है। एक तरफ जहां एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा है। इसी बाबत राजनीतिक सरगर्मी में जदयू ने एक अहम बैठक की जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता के द्वारा मीडिया से कई बातों का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा देश में फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए के खाते में आएगी, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकासशील और विकसित कार्य की चर्चा हर क्षेत्र में कर रहे हैं और जनता भी विकास को देख रही है, इसके चलते इस बार फिर से 4 लाख से अधिक वोटों से अजय मंडल विजय होंगे। प्रेस वार्ता से बैठक में पूर्व सांसद सुबोध मंडल, भागलपुर इकाई के प्रवक्ता सुपाल भारती, जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, आशीष सिंह के अलावे दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कई दिनों से हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पर हमने सभाएं भी की हैं और पार्टी की भी की है सभाएं, एनडीए की भी बैठक हुई है और स्थिति यह है कि हर वर्ग एनडीए के हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री अजय मंडल उनका समर्थन कर रहे हैं, हर न सिर्फ दल के परंतु हर वर्ग के और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, बहन हैं, ये सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। भाजपा का कितना साथ मिल रहा है? भाजपा के लोग भी बिल्कुल हमारे साथ हैं और आज चुनाव की समीक्षा करने के लिए जैसे कि माननीय पूर्व सांसद जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ जिसमें जो हम सभी उपस्थित थे और ख़ास करके पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत से बहुत लोग आए हुए थे और सबको ने अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से उन्होंने विकास का काम किया है, समावेशी विकास हुआ है, सर्वांगिक विकास हुआ है और समाज के हर वर्ग का उन्होंने काम किया है और इससे उनकी बातों से निश्चित रूप से जदयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी जो एनडीए की एकता है बिल्कुल चुनावी एकता, बिल्कुल चट्टानी एकता की तरह हम लोग साथ मिलकर के एक टीम के तहत काम करेंगे, उत्साह के साथ, मनोबल के साथ, एक रणनीति के तहत। और हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री अजय मंडल जी को, पिछले बार वो करीब 3.25 लाख से वोटों से जीते थे, इस बार हमारा लक्ष्य है कि वो उससे भी अधिक मतों से जीतें और हम भागलपुर की जनता से अपील करते हैं, कर्मबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वह अपना बहुमूल्य मत 26 अप्रैल को ईवीएम पर तीर छाप पर बटन दबा करके श्री अजय मंडल जी को विजयी बनाए और इससे फ़ायदा ये होगा कि राष्ट्रहित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कंधे मजबूत होंगे और एनडीए की सरकार अपने यहाँ के जो हमारे बिहार के वासी उन सभी से वादा करती है कि आने वाले दिनों में और अधिक विकास का काम होगा और विधि व्यवस्था संधारित रहेगी।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत बिहार के 5 जिलों में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी जिला के जिलाधिकारी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई हथकंडे अपना रहे हैं और कई तरह से लोगों को जागरूक करते भी दिख रहे हैं। इसी बाबत तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNB कॉलेज में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वहां के सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु भागलपुर के DDC कुमार अनुराग पहुंचे और सबों को अपने बहुमूल्य मतों का प्रयोग करने की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा, जितने नए वोटर इस बार पहली बार मतदान करेंगे वह भी और जितने पुराने वोटर हैं वो भी सभी घरों से निकले और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। वहीं छात्र छात्राओं में इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के प्रति एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज के कार्यक्रम में DDC सर प्रतिनिधि किए, हम लोग के कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। उसके बाद हम लोग को यही बताया गया कि जितने भी 18 वर्ष जिनका एज हो चुका है वो अपना वोट जरूर 26 अप्रैल को जाके डाले, अपने वोट का महत्व को पहचाने। आपका एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है और आपके एक वोट से आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व का पहला अवसर हमें प्राप्त होगा जब हम वोट करेंगे। तो हम लोग का दायित्व यही बनता है कि सरकार हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाती है। अगर हम उन्हें वोट नहीं करेंगे तो हम उनसे प्रश्न पूछने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं पाते। अगर हम उन्हें वोट करते हैं तो मेरा ये अधिकार बनता है कि मुझसे सही वो मेरे लिए क्या किए पिछले 5 वर्ष में उससे हम प्रश्न पूछे। इसलिए जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर कॉलेजेस, हर पंचायत, हर बूथों पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज TNB कॉलेज में भी बच्चों के साथ ये जागरूकता कार्यक्रम किया है कि जिन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ वो लोग वोट दें और जिन लोगों का नहीं है, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने नहीं पूरे किए तो अपने अभिभावकों को जागरूक करें, पड़ोसियों को जागरूक करें ताकि वो लोग भी वोट दे सके। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि भागलपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में अभी तक जो परसेंटेज हम लोगों ने हासिल नहीं की है VTR की वो अचीव हो, जिससे हम लोग एक तरह से ये रिफ्लेक्ट कर सके कि हमारे लोग काफ़ी जागरूक हैं और ये अपने वोटिंग राइट्स को समझते हैं और उस संख्या और उस मात्रा में वोट दे करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया बाईपास चौक के समीप पिकअप वैन और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नाथनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल ने बताया कि नाथनगर राजाबर जा रहे थे, इसी बीच बाईपास में पिकअप और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। वहीं पिकअप वाहन लेकर चालक फरार हो गया। घायल की पहचान बांका जिला रजौन थाना क्षेत्र के राजाबर के रहने वाले बंटी कुमार मंडल के रूप में हुई है। मधुसूदनपुर पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए घायल को नाथनगर रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो कहां से भेजा? बाईपास। बाईपास कहां? कहां जाए जिला? राजाबर। कैसे के गाड़ी धक्का मार लगा? कौन गाड़ी धक्का लगा के पत्तों चल गया? पीछे से मार लगा किस बात? कहां धक्का लगला ले? बाईपास। कौन जगह पे? कंजिया बाईपास। तो की नाम छे? बंटी कुमार मंडल।